मित्रों, मैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की जनता का आभार प्रकट करता हूं कि बहुत जोरदार समर्थन भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा के चुनाव में प्राप्त हुआ और ये जो जनमत भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में इस विधानसभा के चुनाव में हासिल हुआ है, इसका श्रेय हमारे पार्टी के प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को, पार्टी के हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी को और हिमाचल प्रदेश के हमारे पार्टी के प्रभारी जो बिहार सरकार में जिनके पास स्वास्थ्य का मंत्रालय भी है, जिन्होंने अपना बिहार का उस विभाग का कामकाज भी थोड़ी देर के लिए यहीं से संचालित किया, वो लंबे समय तक हमारे साथ में रहे, उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और उसके साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी का संगठन, हमारी पार्टी का नेतृत्व, पार्टी के अध्यक्ष श्री सतपाल सिंह सत्ती जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, श्री शांता कुमार जी, श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, इन सबको जहां मैं धन्यवाद करता हूं कि इनका बहुत बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी को हिमाचल प्रदेश में सत्ता में लाने के लिए रहा है। और उसी के साथ साथ में मैं हिमाचल प्रदेश की जनता का भी आभार प्रकट करता हूं कि जो विश्वास उन्होंने हम पर व्यक्त किया, हमारी पार्टी पर, हमारे नेतृत्व पर व्यक्त किया, उस पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और आने वाले समय में जो उम्मीदें उनकी हैं, जो अपेक्षाएं उनकी हैं, उनको पूरा करने के लिए सरकार के स्तर पर कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आप लोगों के साथ आज की इस चाय पर मिलने का एक विषय और में भी मेरे दिमाग में रहा कि कल, पिछले कल विधायक दल के नेता चुनने के पश्चात मैं सामूहिक रूप से आपको 27 तारीख को जो हमारा यहां पर शिमला के रिज के मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है, उसमें निमंत्रण आपको मैं सांझे रूप में यहां पर दे सकूं, उस दृष्टि से भी मुझे अपनी बात कहनी थी। आप सब आमंत्रित हैं, सादर आमंत्रित हैं और मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस शपथ ग्रहण समारोह में रहने वाले हैं और उनके साथ साथ में बहुत सारे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री वो भी इस शपथ ग्रहण समारोह में यहां पर रहने वाले हैं। बाकी बातों को लेकर के हम आने वाले समय में बहुत हमारे दौर ऐसे होंगे मुलाकात के, वो हम करते रहेंगे। आप सबके सहयोग कि मैं आने वाले समय में भी उम्मीद करता हूं, जो विधानसभा के चुनाव के दिनों में भी आप सबका सहयोग मिला उसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आप सबका। और आने वाले समय में सरकार के संचालन में जो भी महत्वपूर्ण सुझाव होंगे इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की दृष्टि से, जहां आपको ठीक लगे वहां ठीक लिखिए, जहां आपको लगे कि भाई यहां कुछ कहना पड़े तो उसमें आप स्वतंत्र हैं, इस सारी चीज के लिए वो भी आपको कहना चाहिए, करना चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि हम इन सारी बातों को अच्छा है तो अच्छा कह करके, बुरा है तो खराब कह करके, उन सारी बातों को दिल में नहीं रख करके जो है हम आगे बढ़ने के रास्ते में जो है प्रशस्त करें, उस रास्ते को प्रशस्त करें, उस दृष्टि से आप सबके जो है हमेशा सुझाव आमंत्रित रहेंगे
और मैं उम्मीद करता हूं, पूरा विश्वास करता हूं कि इस प्रदेश को जो आगे बढ़ाने में आप सबका बहुत बड़ा एक रचनात्मक सहयोग रहता है, वो सहयोग आने वाले समय में जो हमारी सरकार हिमाचल प्रदेश में 27 तारीख के बाद जब सत्ता हासिल करने के पश्चात काम शुरू करेगी, उसमें भी निश्चित रूप से आप सबका मिलता रहेगा। तो आज की इस पत्रकार वार्ता में तो प्रमुख रूप से मुझे तो अपनी बात को लेकर के सिर्फ यही बातें कहनी थी, उसके बाद कुछ बातें आपकी तरफ से होंगी, कुछ उनका आप जिक्र कर सकते हैं, लेकिन सब बातों का जिक्र मत करना क्योंकि अभी दौर बहुत लंबे होंगे जी। तो मैं आप सबके सुझाव, कोई बात होगी तो उसका मैं पहले चरण में कितने मंत्री बनने की संभावना है? आपने चरणों में क्यों बांट दिया इसको? नहीं सर, इस सवाल को आप इस रूप में लीजिए कि जी, अभी जो आपकी सरकार होगी तो जैसा बाकी प्रदेशों में भी हुआ है, तो आप नए चेहरों के साथ काम करना चाहेंगे या अनुभव को प्राथमिकता देंगे, वो दोनों मिला जुला? निश्चित रूप से अनुभव की भी जरूरत है सरकार चलाने के लिए, और उसके साथ साथ में नयापन भी, ये दोनों चीजों का समावेश सरकार में देखेंगे। आप दिल्ली क्या आपका मंत्रिमंडल होगा? नहीं, मुझे इन सारी बातों को लेकर के अभी मंत्रिमंडल का गठन में प्रक्रिया भी चली है, सारी चीज को लेकर के उसके बारे में अभी बहुत ज्यादा नहीं कहना है, पार्टी के नेताओं के साथ चर्चा करने के बाद जो भी निर्णय होगा जी। और इसका श्रेय डॉक्टर जी, जिन्होंने पर्वतीय विकास की सोच देखिए, राष्ट्रवादी सड़क यातायात और गांधी जी के सोच का क्या आप उन पर्वतीय विकास की सोच को लेकर के इस देश को आगे ले जाएंगे? निश्चित रूप से जो आपका ये सुझाव है, जो आपने जो जिस बात का जिक्र किया पर्वतीय राज्य के रूप में, हिमाचल निश्चित रूप से पर्वतीय राज्य है, और डॉक्टर वाईएस परमार की सोच को उसको भी आगे बढ़ाने की दृष्टि से जो काम करने के होंगे वो निश्चित रूप से करेंगे। बहुत बातों के जिक्र हम 27 तारीख के बाद करेंगे, लेकिन प्रमुख रूप से एक पिछले कुछ एक अरसे से हम देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था के मसले को लेकर के एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह आम जनता के दिमाग में खड़ा है, दिल दिमाग में है। उसको कैसे दुरुस्त किया जा सकता है, उसके लिए जो भी कदम उठाने होंगे वो कदम उठाएंगे, और उसके साथ साथ में जो एक आप ये भी बात कह रहे हैं कि आने वाले समय में प्राथमिकताओं की दृष्टि से, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हिमाचल प्रदेश को केंद्र की जो योजनाएं जितनी मिलती हैं, जो योजनाएं जितनी हमको मिली हुई हैं, उन योजना को प्रभावी ढंग से हिमाचल प्रदेश में लागू करना, पूर्व में जो सरकार रही उस सरकार की नियत में हमको ऐसा महसूस हुआ कि उन्हें रुचि नहीं दिखाई, और उन सारी बातों को लेकर के हिमाचल प्रदेश को जितना लाभ जो है वो 3-3.5 साल के इस कार्यकाल में केंद्र सरकार की जो हुई है उसमें जो लाभ लिया जा सकता था उसमें हम कहीं ना कहीं चुके हैं। और आज की तारीख में जो ये सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बनी है, मैं इस बात को कह सकता हूं कि खुले मन से सहयोग होगा, और केंद्र की योजनाएं जिनको प्रभावी ढंग से लागू करने में कोताही हुई है उनको बिल्कुल प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। क्या आपकी सरकार प्रदेश के विपक्ष में चार्ज शीट दी जाती है सत्तारूढ़ पार्टी के सामने, और सत्ता में आने के बाद उस पर जांच करी जाती है, जिसे कहा जाता है, लेकिन उस पर निगरानी क्या आप भी चार्जशीट की जांच करवाएंगे या? निश्चित रूप से जो चार्जशीट हमारी पार्टी की ओर से सौंपी गई है उनमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर जो है निश्चित रूप से हम बात करेंगे और कार्यवाही जो करने की होगी उस दिशा में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि बदले की भावना से काम करने की मंशा नहीं होगी, वो बिल्कुल नहीं होगी। क्या आपके पार्टी प्रदेश की वित्तीय स्थिति पर शेर पत्थर लाएगी? मुझे लगता है कि हाँ, मुझे जो लगता है जो सारी बात को लेकर के वित्तीय स्थिति प्रदेश की बहुत खराब है, इस बात से हम सब लोग अवगत भी हैं, सहमत भी हैं,
लेकिन श्वेत पत्र से समस्या का समाधान, वो मुझे लगता है कि उस तरह से वो समाधान नहीं है। उसमें जो कदम, हाँ जी, जनता सारी स्थिति के बारे में आज की इस युग में मुझे लगता है कि जनता नहीं जानती है, ऐसा तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कदम क्या उठाए जा सकते हैं उसको बेहतर करने की दृष्टि से काम करने की आवश्यकता वो है। स्लोगन था टायर्ड रिटायर्ड सरकार को बाहर करो, वो जनता ने कर दिया है। जो बाकी इस तरह के रीअपॉइंट, री एम्प्लॉयड और कुछ कमीशन में लोग हैं, विल योर गवर्नमेंट रिकंसीडर दैट? निश्चित रूप से जो लोग रिटायर्ड हैं, एक्सटेंशन पर हैं, उनके बारे में मैं 27 तारीख को ही निर्णय लूंगा। लेकिन ये बात आप मान करके चलिए कि रिटायर्ड और टायर्ड अधिकारी जो है वो नहीं चल पाएंगे। सर, क्या गुड़िया को इंसाफ मिलेगा, जो कि भाजपा का पहला बिंदु है? बिल्कुल, निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा मुद्दा है। गुड़िया जो घटना, ये जो हुआ, जो हिमाचल प्रदेश देवभूमि के रूप में जाना जाता है, पूरे देश में, दुनिया में जाना जाता है, इससे शर्मसार हुआ है। और इसमें बहुत ज्यादा कहने की गुंजाइश आज की तारीख में नहीं, क्योंकि जांच इसमें चल रही है। लेकिन जांच में पूर्व सरकार में सहयोग नहीं दिया, ऐसी बातों को लेकर के जरूर हम विचार करेंगे। अगर सहयोग नहीं दिया तो कौन लोग हैं, क्या वजह है, और उसके साथ साथ में हमारी सरकार सत्ता में आने के बाद तुरंत जो है पूरा सहयोग करेगी, और जो भी कार्रवाई, कठोर से कठोर कार्रवाई उस दृष्टि से करने की कानून के प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, उसके लिए आग्रह करेगी। एक मिनट, अश्विनी जी का बड़ा, इनको खड़े होकर के बोलना पड़ता है क्योंकि पीछे बैठे हैं, दूर बैठे हैं। अभी तक कंफर्मेशन लगभग 10 लोगों की बताई है मुझे, अभी तक आज शाम तक कंफर्मेशन हो जाएगी, 10 का लोगों की कंफर्मेशन आ गया। क्लियर है अभी तक कि मंत्री भी साथ ही शपथ लेंगे या केवल सीएम ही शपथ लेंगे? इस बारे में पार्टी का, हमारा केंद्र और प्रदेश का नेतृत्व तो विचार कर रहा है कि क्या करना चाहिए, जब निर्णय होगा तो बता। सर, लिस्ट फाइनल हो गई है सर? जी, मिनिस्टर की लिस्ट फाइनल हो जाएगी, बस जल्दी फाइनल हो जाएगी। हाँ जी, निश्चित रूप से ये पहले भी इस बात को लेकर के हमारे पार्टी के नेता कहते रहे हैं, इस विषय को लेकर के हम कायम है कि भाई हिमाचल एक ऐसा प्रदेश है जो हिमालयन पूरी रेंज है, इसके हिमालयन रेंज के साथ साथ में जो हिमालय जो प्राधिकरण का जिक्र कर रहे हैं, उससे बेहतर ढंग से हम पूरे इस इलाके को, इस क्षेत्र के लिए हम सांझे रूप में काम कर सकते हैं कि एक उस दिशा में हम कोशिश करेंगे बात करने की। निश्चित रूप से बिल्कुल वीआईपी कल्चर को कम करने की कोशिश करेंगे। उस पर क्या क्या किया जा सकता है वो आने वाले समय में आप देखेंगे। बीजेपी के विजन में जो प्रदेश की गंभीर अर्थव्यवस्था है प्रदेश की आर्थिक विकट, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, विकट परिस्थिति के दौर में से गुजर रहा है आर्थिक दृष्टि से हिमाचल प्रदेश, और ये आज से नहीं, ये कई वर्षों से, लेकिन उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो वर्तमान में, जो पीछे निवर्तमान में जो सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी की पीछे, उस सरकार का जिस प्रकार से रिसोर्सेज के बारे में चिंतन नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद जो है वीआईपी कल्चर और अंधाधुंध खर्चा, बजट प्रोविजन के बिना संस्थान खोलना, इन सारी चीजों को लेकर के जो है वो जिस प्रकार से तहस नहस अर्थव्यवस्था की गई है, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, इसके लिए निश्चित रूप से जो कदम उठाने की दृष्टि से बातें होंगी उन पर वो हम काम करेंगे। क्या पिछली सरकार के कुछ निर्णयों पर पुनर्विचार किया जाएगा? चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का जैसे भाजपा ने हमेशा जो है कांग्रेस पर अटैक किया था, क्या बीजेपी भी वाइस चेयरमैन चेयर करेगा?
स्वाभाविक रूप से उसमें चेयरमैन वाइस चेयरमैन हम बहुत इस कल्चर को नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है पॉलिटिकल हमारे कोलीग्स होते हैं जिनका इम्पोर्टेंट रोल गवर्नमेंट को बनाने में रहता है, उसके उस दृष्टि से जो आवश्यक होगा वो करें। ये पार्टी का विषय है, अभी इस विषय पर मुझे लगता है कि बात करने की आवश्यकता नहीं। अब इस बारे में आने वाले समय में जब काम शुरू करेंगे तो उसके बाद सारे बातों पर विचार करके कहां जरूरत है, जरूरत के हिसाब से जो करना होगा वही करेंगे। निश्चित रूप से जो 3 महीने के कार्यकाल में, अंतिम 3 महीने के कार्यकाल में जो निर्णय सरकार ने लिए हैं उनको रिव्यू करने के लिए हम कदम उठाएंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिशफल होगी, डेफिनेटली होगी, लेकिन अभी होगी वो जब मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा उसके पश्चात करेंगे। धर्मशाला जिस रूप में है उस रूप में उसका स्थान जो है वो कायम रहेगा, उसमें कोई कमी नहीं। ये बहुत गंभीर मसला है और इस मसले के बिना ना विधानसभा का कोई सत्र समाप्त होता है ना कोई पत्रकार वार्ता, और इसलिए ये मुद्दा जो है वो है ही है, और लेकिन उसके बावजूद मैं इस बात के लिए मैं भी आप लोगों से सुझाव चाहूंगा कि आप भी हमको सुझाव दें कि क्या किया जा सकता है। जी हिमाचल प्रदेश में मुझे लगता है कि पर्यटन की संभावनाएं अभी बहुत ज्यादा है, और जहां तक जो हमारी केंद्र सरकार ने हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए जो नेशनल हाईवे 4 लेन्स और उसके साथ साथ में नई जो कनेक्टिविटी की दृष्टि से कुछ कदम उठाए हैं, जो प्रोजेक्ट्स हमारे लिए सैंक्शन किए हैं, वो पर्यटन को आगे बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और उस दृष्टि से मेरा ये मानना है कि जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमको पर्यटन को बढ़ावा देने की दृष्टि से करने की आवश्यकता है उसको मजबूत करने के लिए हम निश्चित रूप से काम करेंगे, लेकिन अभी तक जितना स्कोप, जितना हमारे पास गुंजाइश हिमाचल प्रदेश में पर्यटन को बढ़ाने की दृष्टि से है, उस फील्ड में अभी जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं, उसको आगे बढ़ाने की हमारी मंशा है।